नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद में आज के एजेंडे के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब एक नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान आज। वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में देंगे जानकारी। ग्रामीण विकास, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी दोनों सदनों में किए जाएंगे पेश। पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में होगी चर्चा। सभी दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। बीमा संशोधन विधेयक 2021 भी कार्यसूची में शामिल। और लोकसभा के एजेंडे में 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान। अनुपूरक अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर लिया जाएगा विनियोग विधेयक 2021। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक पर भी होगा विचार। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी दोनों सदनों में वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में बयान देंगे। राज्यसभा के एजेंडे में बीमा संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। उच्च सदन में पर्यटन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछेंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो अहम वित्तीय कामकाज सदन की कार्यसूची में शामिल है। सदन में 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना है। विनियोग विधेयक 2021 पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है, जिसे 2020-21 के अनुपूरक अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। सदन में 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों और पुदुचेरी के संबंध में लेखानुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 भी सदन की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के विवरण पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछेंगे। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में बयान देंगे। 1 फरवरी को पेश आम बजट में वाहन कबाड़ नीति यानी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई थी। इसके तहत निजी वाहनों को 20 साल होने पर और वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। इस घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के 50,000 नए अवसर पैदा होंगे। इससे सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, मौजूदा वाहनों की बेहतर दक्षता के कारण ईंधन की खपत कम होगी, जिससे तेल आयात में कमी आएगी और निवेश को गति मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियम के मसौदों के बारे में 12 मार्च को अधिसूचना जारी की है और 30 दिन के भीतर सुझाव भी मांगे हैं। और हम सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज दोनों सदनों के एजेंडे में काफी अहम कामकाज है और हम देखें तो उच्च सदन में भी काफी अहम काम है। और जो दोनों सदनों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में बयान देंगे, उस पर भी जाहिर तौर पर नजरें होंगी। इस नीति की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब आखिरकार हम जमीन पर उतरता इस नीति को देखेंगे।
निश्चित तौर पे प्रीति, आज जब हमारे देश में जो कई तरह के वाहन उपलब्ध हैं, चाहे वो देशी वाहन हो या घरेलू या बाहरी FDI से चल रहे वाहन हो, उसकी कोई कमी नहीं है, बहुत तरह के ब्रांड हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो आज एक ऐसी स्थिति है कि जब वाहन बहुत सारे उपलब्ध हैं तो क्यों पुराने वाहनों का उपयोग किया जाए, क्योंकि ये वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, सुरक्षा के जो है वो उसको ज़्यादा खतरा होता है, और उसके अलावा एक ऐसी बात है कि जब पुराने वाहन चलते हैं तो उनके कारण एक कई तरह की क्षति सड़कों को भी होती है। तो इसलिए यह बनाया गया कि पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग की एक नीति बनाई जाए। तो इसके लिए प्राइवेट वाहनों की आयु रखी गई 20 साल और कमर्शियल वाहनों की आयु रखी गई 15 साल, और 15 साल कमर्शियल वाहन और 20 साल जो निजी वाहन है उनको स्क्रैप करेंगे तो आपको 5% का इंसेंटिव मिलेगा जब आप नए वाहन खरीदेंगे। तो यह एक ऐसा एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह है, एक ऐसा है कि आप पुराने वाहन छोड़ें उससे ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, उस इंसेंटिव से आप नए वाहन खरीदें, और एक ऐसा जो पुराने वाहन को जो स्क्रैप करेगा, जो उसका निपटारा करेगा, उसका भी एक बड़ा उद्योग खड़ा होगा। तो यह उद्योग अभी तक था लेकिन बहुत ही असंगठित रूप से था, और ज़्यादातर होता ये था कि जो गैराज मालिक हैं वो किसी तरह से पुराने वाहनों की रिसाइकिलिंग करते थे, और सड़कों पे कई बार आप देखेंगे कि पुराने वाहनों को लेकर एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी करके कुछ वाहन गांव में चलाए जाते थे, तो उसे गांव में भी प्रदूषण बढ़ता था। तो इसीलिए यह स्क्रैपिंग नीति बनाई गई है कि आपके वाहन 20 साल हो उसको स्क्रैप कर दीजिए तो आपको एक आर्थिक लाभ मिलेगा। तो इससे एक पूरी तरह से वाहनों के जो उपलब्धता है और वाहनों के नए वाहनों के सड़क पे आने की जो स्थिति है वो सारी बढ़ेगी, और निश्चित तौर पे जब भारत की जनसंख्या सघन हो रही है, लोग निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, और ख़ास करके कोरोना पीरियड में हमने देखा कि निजी वाहनों के प्रति रुझान और बढ़ा है, क्योंकि लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी ऐसे समय में आया है जब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, और इसके बारे में नितिन गडकरी दोनों सदनों में बयान देकर स्पष्ट करेंगे कि क्या है वो नीति, और निश्चित तौर पर वो उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं, तो सांसदों का सुझाव भी आएगा और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोग इस पर सुझाव देंगे। जी प्रीति, बिल्कुल, और एक बहुत बहुत बड़ी रोक जो प्रदूषण है इनसे, जो पुराने वाहन है उनसे जो प्रदूषण निकलता है उस पर भी लगेगी। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे विधायी कामकाज पर नजर डालते हैं। राज्यसभा के एजेंडे में आज दो अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है, इनमें पर्यटन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी शामिल है। इस दौरान सभी दलों के सांसद विचार और सुझाव रखेंगे। हर मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के लिए 4-4 घंटे का समय आवंटित किया गया है। सत्र के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में बीमा संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके जरिए बीमा कानून 1938 में और संशोधन किया जाना है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। साथ ही जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी इकाइयों को मालिकाना हक और नियंत्रण की अनुमति देने का भी प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीयों के पास होने के साथ FDI सीमा 49% है। इससे पहले 2015 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% किया गया था। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम एक बार फिर रुख करेंगे। आज हम देख रहे हैं आगे एजेंडा, अगर हम देख रहे हैं अखिलेश, तो दो अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है, इनमें पर्यटन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शामिल है, और साथ ही जो इंश्योरेंस बिल है, बीमा संशोधन बिल है, उसे लेकर भी आज कितना अहम दिन रहेगा राज्यसभा में। देखिए, बीमा संशोधन बिल काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है सरकार के लिहाज से, और ऐसे कहें तो 1990 के दशक से जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें जो बैंकिंग सेक्टर है, बीमा सेक्टर है, और जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए सारे सेक्टरों में
एक एक करके उसमें निजी इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। वो 1990 में आप नरसिम्हा राव की सरकार से याद करें तो उसके बाद कभी पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बने या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, तो एक सुधारों का ही एक ट्रैजेक्टरी ऐसी ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज करने का हर सारे सेक्टरों को है। लेकिन जैसा कि होता है कि समय के साथ साथ जो है उस पर बहस भी बढ़ती है, तो बीमा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पे कि आज बहस की गुंजाइश है और संभावना इस बात की है कि कांग्रेस की तरफ से भी इसमें बहस में भाग लिया जाएगा और काफ़ी रोचक बहस होगा, क्योंकि देखिए जब 49% किया गया था उस समय भी लोगों ने सवाल उठाए थे और आज जब 74% किया गया है तो उस समय भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार का जो जवाब है कि उसके लिए आवश्यक सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारतीयों की उपस्थिति रहेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, क्योंकि बीमा के प्रति अब आम आदमी में भी जागरूकता बढ़ी है। सरकार ने भी बीमा के बारे में लोगों को जागरूक बनाया है, कई तरह के बीमा सरकार ने भी दिए हैं। तो एक तरीके से कहें कि बीमा आज के पूरे जीवन की एक मुख्य धारा की का विषय बनता जा रहा है, और ऐसे में जब बीमा क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है, उसे लिबरलाइज किया जा रहा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें एक नए उछाल की संभावना आती है। और इस नए उछाल के साथ क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या खतरे हैं, उससे निपटने के लिए सरकार को क्या व्यवस्थाएँ करनी होगी ताकि जो बीमित व्यक्ति है या जो बीमित परिवार है उसको पूरी तरह से जो बीमा के की जो प्रावधान है उस प्रावधान मिले, उनका क्लेम मिले, इन सारी व्यवस्था करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। कितना रिजर्व राशि रिटेन किया जाएगा उनके प्रॉफिट का ताकि वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल में न बदल जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और आज इस पर काफी रोचक बहस और रोचक वाद विवाद होने की संभावना है प्रीति राज्यसभा में। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ेंगे। अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ और जो लोकसभा का एजेंडा है हम फिलहाल उस पर नजर डालेंगे। तो लोकसभा की बात करें तो अहम वित्तीय कामकाज सदन की कार्यसूची में शामिल है। सदन में 2020-21 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना है। विनियोग विधेयक 2021 पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है, जिसे 2020-21 के अनुपूरक अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। सदन में 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा। साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों और पुदुचेरी के संबंध में लेखानुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। वहीं संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 भी आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन किया जाना है। यह विधेयक 13 फरवरी 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। अखिलेश, अगर हम लोकसभा के एजेंडे को देखें तो किस तरह का दिन रहने वाला है, खासकर वित्तीय कामकाज निपटाने के नजरिए से हम लोकसभा में आज के दिन को काफी अहम माने? निश्चित तौर पे देखिए, लोकसभा में जो वित्तीय कामकाज हैं काफ़ी अहम हैं और वित्तीय कामकाज में लोकसभा का ही अपर हैंड होता है, और जब राज्यसभा में वो जाता है तो उसमें लिखा रहता है कि स्पीकर ने सर्टिफाई किया है कि ये मनी बिल है। तो इस मामले में लोकसभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और वो निर्णायक स्थान होता है। तो आज जो है विधेयक, उसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी का है, तो आप जानती हैं कि पुडुचेरी अभी विधानसभा कुछ दिन पहले भंग हुआ है क्योंकि मेजोरिटी खो दिया था वहाँ की सरकार ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और पूर्ण उसे राज्य का दर्जा उस तरीके से जो चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। तो इस स्थिति में वहाँ का जो बजट है, वहाँ का बजट हमेशा केंद्र से ही पारित होगा जहाँ की कोई राज्य सरकार नहीं है स्थापित। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स यहाँ आए हैं। लेकिन जब डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे चर्चा होती है, कि जैसा कि आपने देखा कई मंत्रालयों के डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे चर्चा हुई, तो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के बहाने उस पूरे जो सेक्टर है वो मंत्रालय है उस पर भी चर्चा हुई, कामकाज पे चर्चा हुई, उसकी स्थिति पे चर्चा हुई। तो इस रूप में हम आज अपेक्षा करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ये डिमांड्स ऑफ ग्रांट है, इसमें परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर की जो सारी बातें हैं, जम्मू कश्मीर की सारी बातों पे चर्चा होगी। धारा 370 वहाँ
हटाया गया, धारा 370 हटाने के बाद वहाँ क्या स्थिति हुई, रोजगार की स्थिति, विकास की स्थिति, वहाँ के कानून व्यवस्था की स्थिति, कैसे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान का हस्तक्षेप वहाँ कम हो रहा है, ये सारी बातें हैं जो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आज लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है। और उसी तरह पुडुचेरी में तो है ही कि वहाँ अब चुनाव होने वाले हैं और उसके चुनाव के पहले जो चर्चाएं होती हैं तो नोकझोंक कुछ आपको देखने को मिल सकता है लोकसभा में पुडुचेरी के डिमांड्स और ग्रांट्स पे चर्चा के दौरान। प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे संसद भवन परिसर से हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा में आज कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद प्रसन्न आचार्य, डॉक्टर अमी याज्ञिक और कनक मेदला रवीन कुमार याचिका समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और मुजीबुल्ला खान ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण सदन में रखेंगे। सांसद सैयद नासिर हुसैन और वाईएस चौधरी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण सभा पटल पर रखेंगे। सांसद सुजीत कुमार और नारायण भाई जी राठवा ग्रामीण विकास स्थायी समिति के विवरण सदन में रखेंगे। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 338वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी सदन में देंगे। केंद्रीय मंत्री धोत्री संजय शामराव राज्यसभा में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 6वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी सदन में देंगे। केंद्रीय मंत्री धोत्री संजय शामराव डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिशों और टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी सदन में देंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों 2020-21 पर विभाग संबंधित शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी सदन में देंगे। वहीं लोकसभा में भी कई अहम संसदीय समितियों के विवरणों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसद राजीव रंजन सिंह और शिव कुमार चनबसप्पा उदासी ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण सदन में पेश करेंगे। सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण सभा पटल पर रखेंगे। सांसद प्रताप राव यादव और जनार्दन मिश्र ग्रामीण विकास स्थायी समिति के विवरण सदन में रखेंगे। केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला लोकसभा में आज कृषि और कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी सदन में देंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में करेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सवालों से होगी। सांसद जीसी चंद्रशेखर पूछेंगे, झूठी खबरों और गलत जानकारी को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद फौजिया खान पूछेंगी, क्या सरकार की महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष परियोजनाएं या स्कीम है। सांसद केसी राममूर्ति पूछेंगे, क्या यह सच है कि देश का अपना डिजिटल एप्लीकेशन स्टोर नहीं होने से डिजिटल सेवाओं के लिए पूरी तरह से गूगल और एप्पल पर निर्भर होना डिजिटल सेवाओं में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। और अब बात करेंगे विदेश मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद राकेश सिन्हा पूछेंगे, भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद का वार्षिक बजट क्या है। सांसद वाई को पूछेंगे, क्या सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाक स्ट्रेट के कच्चतीवु में श्रीलंका द्वारा पवन चक्की परियोजना को चीन की कंपनी को दिए जाने के प्रति कोई विरोध दर्ज कराया है।
और अब बात योजना मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पूछेंगे, क्या नीति आयोग ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स बनाना शुरू किया है। और अब बात महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद पी विल्सन पूछेंगे, क्या सरकार ने देश भर में विशेषकर तमिलनाडु में बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है। सांसद नरेंद्र यादव पूछेंगे, क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की दिसंबर 2020 में जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण अत्यधिक व्याप्त होने के बारे में जानकारी दी गई है। और अब बात वस्त्र मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद भास्कर राव निकांती पूछेंगे, क्या ओडिशा के पुरी जिले में रघुराजपुर शिल्प ग्राम का विकास करने के लिए 2015 में 10 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था। सांसद फूलो देवी नेताम पूछेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कार्य योजना संबंधी विस्तृत प्रस्तावों के अधीन मांगी गई निधियों का छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। और अब बात शिक्षा मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद हरनाथ सिंह यादव पूछेंगे, देश भर में और विशेष रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में एकीकृत शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद सुशील कुमार गुप्ता पूछेंगे, स्कूल ना जा पा रहे बच्चों पर कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और अब बात उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद रामशकल पूछेंगे, क्या सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना बनाई है। बात संचार मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद अनिल बलूनी पूछेंगे, उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और अंतरिक्ष मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल पर एक नजर डालते हैं। सांसद विजय कुमार पूछेंगे, क्या सरकार का अंतरिक्ष में मानवों को भेजने का कोई प्रस्ताव है। और अब बात लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। कई अहम सवाल प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में भी पूछे जाएंगे और प्रश्नकाल की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवालों से होगी। सांसद गुरजीत सिंह औजला पूछेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग के ढिलवा अटारी खंड को 6 लेन का बनाए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है। सांसद भावना गवली पूछेंगे, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 2022 से 2024 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है। सांसद सुरेश पुजारी पूछेंगे, क्या ओडिशा में बारगढ़ से बालंगीर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 26 की सड़क के निर्माण के लिए दिनांक 9/8/2020 की निविदा के संबंध में तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सांसद अजय भट्ट पूछेंगे कि उत्तराखंड के 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना के लिए वर्तमान वर्ष में आवंटित धनराशि कितनी है। सांसद एमके विष्णु प्रसाद पूछेंगे, तमिलनाडु में राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों की संख्या कितनी है। और अब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद एम के राघवन पूछेंगे, बेपोर पत्तन को NH-66 और NH-766 से जोड़ने वाली कोझिकोड स्थित भारतमाला परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। और अब बात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद गोपाल जी ठाकुर पूछेंगे, क्या बिहार के दरभंगा जिले में स्थित विभिन्न सरकारी उपक्रमों या कार्यालयों को केवल सौर विद्युत पर चलाने की कोई योजना या नीति है। सांसद दुष्यंत सिंह पूछेंगे, सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष और आगामी 3 वर्षों के दौरान हासिल किए जाने वाले सौर ऊर्जा के लक्ष्य का ब्यौरा क्या है।
और अब बात अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवाल की। सांसद थॉमस चाची कादन पूछेंगे, देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है। और अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद एस आर पार्थिवन पूछेंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु के सेलम जिले में मलिन बस्ती विकास की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद गोपाल शेट्टी पूछेंगे, क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन कार्यान्वित किया है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवालों की बात करें तो सांसद पीवी मिथुन रेड्डी पूछेंगे, क्या जल जीवन मिशन में देश के आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सांसद रंजीता कोहली पूछेंगे, क्या केंद्र सरकार की ओर से गत 3 वर्षों के दौरान राजस्थान और गुजरात में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धनराशि आवंटित या जारी की गई या उपयोग में लाई गई है। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी पूछेंगे, क्या सरकार पश्चिम बंगाल तथा बिहार की महानंदा और गंगा जैसी प्रमुख नदियों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने के कारण होने वाली मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई योजना बना रही है। और अब बात विद्युत मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद अमोल राम सिंह कोले पूछेंगे, क्या सरकार ने प्रमुख विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए कोई घरेलू निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया है। सांसद अजय कुमार मंडल पूछेंगे, क्या वर्ष 2020 में एनटीपीसी कहलगांव में लगून 3D के तटबंध को क्षति पहुंचने से हजारों किसानों के खेतों में राख मिश्रित पानी पहुंचने से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। और थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है तो आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।